पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के नगर निगम कैंप कार्यालय पर नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में 578 करोड़ 18 लाख रुपए का पुनरीक्षित बजट पास हुआ। चुनाव आने के बाद भी अब नगर निगम में विकास की रफ्तार नहीं रुकेगी। कार्यकारिणी की बैठक में महानगर के विकास पर सदस्यों ने खूब बहस की। निगम के अधिकारियों से विकास के मुद्दे पर सवाल जवाब हुए। इस दौरान महापौर विनोद अग्रवाल ने नगर आयुक्त संजय चौहान के साथ बजट पर चर्चा की। पार्षदों ने बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा की। महापौर विनोद अग्रवाल ने कहा कि अब जीएमडी रोड पर किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं होगी, तो वहीं बिजली के लटके तार अगले 1.5 महीने में समाप्त हो जाएंगे। नगर निगम मुरादाबाद की माननीय कार्यकारिणी समिति की आज बैठक थी। माननीय महापौर महोदय की अध्यक्षता में ये बैठक बहुत सकुशल संपन्न हुई है। लगभग 4 घंटे तक तमाम समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ। प्रथमतः इसमें पुनरीक्षित बजट पेश किया गया, शहर के विकास कार्यों की चर्चा हुई, डोर टू डोर की व्यवस्था पर चर्चा हुई। इसके अलावा कुत्ते, बंदर, आवारा पशुओं के पकड़ने पर, गोवंशी पशुओं के संरक्षण और पशु चिकित्सक की तैनाती जैसे तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई है। और मुझे उम्मीद है कि आज की इस बैठक के बहुत सार्थक परिणाम निकट भविष्य में देखने को मिलेंगे। बैठक में हाउस टैक्स और वाटर टैक्स का मुद्दा भी गंभीर रहा। बैठक में तय हुआ कि जो नए भवन हैं, उन पर पहले कार्रवाई करते हुए टैक्स वसूला जाएगा। निगम उपाध्यक्ष गौरव श्रीवास्तव ने शादी हॉल और वॉशिंग सेंटर से भी वाटर टैक्स वसूलने के लिए आवाज उठाई, जिस पर जल्द एक्शन लेने का प्रस्ताव हुआ। आज नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक 3 घंटे तक काफी लंबे समय विचार विमर्श के साथ चली, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। पुनरीक्षित बजट पेश किया गया, उसमें विकास के लिए और 15 करोड़ का बजट बढ़ाया गया है और लगभग 100 करोड़ का पहले बजट निर्माण के लिए पहले से ही रखा गया था। थोड़ा कर्मचारियों के वेतन के संदर्भ में भी इसको बढ़ाया गया है। बिजली पे, सड़क पे और मुख्य बिंदु रहा आज टैक्स का, जो महानगर में इस समय सर्वे के आधार पर टैक्स की गणना की गई है, उसके लिए कल एक बैठक आयोजित की गई है। एक प्रस्ताव रखा गया है कार्यकारिणी के समक्ष माननीय पार्षदों के द्वारा कि जो भी टैक्स का निर्धारण है सर्वे के अनुपात में, उसको बिल्कुल सही किया जाए और किसी भी हालत में जनता का उत्पीड़न न किया जाए कैसे भी। इस बात के लिए समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए गए और आने वाले समय में, चूंकि जब तक टैक्स वसूल नहीं होगा तब तक विकास कैसे होगा, और विकास चाहिए तो टैक्स देना है, परंतु टैक्स सही अनुपात में सही मिल जाए, इतना ही हम चाहते हैं। मैं महानगरवासियों से भी अपील करता हूँ कि आगे बढ़ें और स्वयं कर निर्धारण के अंतर्गत हर व्यक्ति महानगर का अपने अपने घर का पेयजल का, जल कर का और भवन कर समय से जमा करा दे। बस पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।